हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। घड़ी तो खैर हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और आप जानते हैं घड़ी कई तरह का हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड बोले तो फिटनेस बैंड, डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉच। और आज इस वीडियो में एनालॉग वॉच की एक स्पेशल फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि क्रोनोग्राफ। लेकिन ये सभी एनालॉग वॉच में देखने को नहीं मिलेगा, कुछ स्पेशल एनालॉग वॉच में आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्या है क्रोनोग्राफ, क्या क्या फंक्शन है इसका, कैसे इसको इस्तेमाल करें, सभी के बारे में बात करने वाला हूँ वीडियो में आगे बढ़ते हुए। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर ये फंक्शन खराब हो जाता है तो इसको रीसेट या फिर रिकैलिब्रेट कैसे किया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमन, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सोमन सॉल्यूशन में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मेरे पास है फॉसिल्स का एक वॉच, जहाँ पे हमको क्रोनोग्राफ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने यहाँ पर जो मेन डायल है, इसके अंदर एक मिनट का काटा, घंटे का काटा और एक सेकंड का काटा है, जिसका क्रोनोग्राफ से कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ टाइम बताता है। बड़ा डायल के अंदर लेफ्ट साइड में आपको तीन छोटा छोटा और डायल देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहला वाला है ये 24 आवर डायल, मिडिल में हमको एक मिनट के लिए डायल देखने को मिलता है, और लास्ट में हमको एक सेकेंड के लिए डायल देखने को मिलता है। यहाँ पर पहला जो 24 आवर डायल है वो क्रोनोग्राफ से कोई रिलेटेड नहीं है। लास्ट में जो दो डायल आपको देखने को मिलता है, यही क्रोनोग्राफ में मेन काम में आता है। और उसके बाद घड़ी के राइट साइड में हमको तीन बटन देखने को मिल जाता है। मिडिल का जो बटन है उसको हम क्राउन कहते हैं, और ये क्रोनोग्राफ से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ टाइम को एडजस्ट करने के लिए और डेट को एडजस्ट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर का जो बटन है और नीचे का जो बटन है, यही मेन स्विच है, क्रोनोग्राफ में यही काम में आता है, जहाँ पर ऊपर का बटन से स्टार्ट और पॉज होता है और नीचे का बटन से रिसेट होता है। चलिए देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। दोस्तों राइट में ऊपर वाला जो बटन है उससे आप काउंटडाउन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस बटन को क्लिक करके काउंटडाउन स्टार्ट कर लेते हैं और एक मिनट का एक टाइम इंटरवल नाप लेते हैं। देखिए बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर नीचे जो सेकेंड का सब डायल है, वहाँ पर सेकेंड का जो कांटा है वो मूव करने लग गया है और स्लोली मूव कर रहा है। अब दोस्तों एक मिनट तक वेट कर लेते हैं, तब तक कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मिडिल में आपको एक सब डायल देखने को मिलता है, जो है मिनट का सब डायल, और यहाँ पर 30 मिनट तक यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रोनोग्राफ है ये 30 मिनट तक एक साथ में काउंटडाउन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उसके बाद ये काउंटडाउन स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर कुछ कुछ मॉडल्स पर आपको यही टाइम एक घंटे तक मिल जाता है, मतलब इससे 30 मिनट ज़्यादा मिलता है। चलिए अब सिर्फ 15 सेकंड बाकी है, वेट कर लेते हैं। अब जिस बटन से हमने काउंटडाउन स्टार्ट किए थे उसी बटन को दबाकर इसको पॉज भी कर देते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए ये जो सेकंड का डायल है, सेकंड का कांटा एक बार पूरा घूम चुका है, और यहाँ पर जो मिनट का कांटा है वो एक घर आगे चला गया है, मतलब एक मिनट हुआ है ये। और अब हम इसको रिसेट करेंगे, इसके लिए हमको नीचे वाला बटन को एक बार प्रेस करना होगा। ये मैंने प्रेस कर दिया, और देख सकते हैं आप ये पूरा एकदम अपने जो पुराना पोजीशन है वहाँ पर वापस आ चुका है। दोस्तों इस तरह से आप क्रोनोग्राफ को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, और मैक्सिमम घड़ी में बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस रहता है। कुछ कुछ घड़ी में आपको तीन डायल के जगह यहाँ पर दो डायल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। और दूसरा जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरह का है, यहाँ पर जो छोटा वाला सेकंड का कांटा है वो यहाँ पर क्रोनोग्राफ के लिए यूज़ हुआ रहा है, और बहुत सारे घड़ी में ये टाइम शो करने के लिए यूज़ होता है। और बड़ा वाला जो सेकंड का कांटा है वो यहाँ पर टाइम के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन यही कुछ कुछ घड़ी में क्रोनोग्राफ के लिए यूज़ होता है। बस यही दो डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। एक और बात है, फॉसिल्स की लगभग सभी घड़ी की वॉच हैंड और उसके मेन डायल के अंदर जो नंबर्स होता है उनमें हमको ग्लो पेंट का फिनिश देखने को मिलता है, जिस कारण नाइट में अगर थोड़ा सा भी लाइट पड़े इनके ऊपर तो ये ग्लो करता है, और नाइट में भी आपको टाइम आराम से देखने को मिल जाता है, जो मुझे इनमें काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों अब अगर आपके घड़ी में बैटरी ख़राब हो जाता है या फिर बैटरी ख़त्म हो जाता है, और आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं है, और आप बाहर भी नहीं जा सकते, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो आप घड़ी के साथ साथ क्रोनोग्राफ को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो मिडिल में जो क्राउन बटन है उसको उसके नॉर्मल पोजीशन में रख कर ऐसे क्लॉकवाइज हाफ राउंड करके घुमाते जाना है, तब तक जब तक आपको रेजिस्टेंस फील ना हो। करीब करीब 40 बार घुमाने के बाद आपको रेजिस्टेंस फील होगा तब छोड़ देना है।
क्योंकि इसके बाद भी अगर आप घुमाएंगे तो इसका अंदर जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको करीब करीब 40 घंटे का बैकअप भी मिल जाएगा। उसके बाद आप जो करंट टाइम है उसको सेट कर लीजिए और क्रोनोग्राफ को भी तब आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये इमरजेंसी के लिए, इसको आप एक दो बार यूज़ करें तो ही बेहतर है, ज़्यादा बार यूज़ करेंगे तो स्प्रिंग ख़राब हो सकता है। दोस्तों आपका घड़ी का कैलिब्रेशन ख़राब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर इसका जो सेकंड का कांटा है और मिनट का कांटा है वो अभी नॉन जीरो पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए अब एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। देखिए जीरो से नहीं, 5 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बहुत दिनों से इस्तेमाल करने पर ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए अब काउंट डाउन को कुछ देर चलने देते हैं। अभी इसको रिसेट करता हूँ। देखिए ये जीरो पोजीशन में वापस नहीं गया बल्कि 5 सेकंड पे आकर रुक गया है। तो ये होता है कैलिब्रेशन ख़राब हो जाना। दोस्तों लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, कोई बात नहीं, इसको अब आराम से घर में बैठ के खुद से ही ये फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। देखिए इस साइड में जो क्राउन बटन है उसको आपको पोजीशन 3 में लाना है, बिल्कुल लास्ट पोजीशन में लाना है, इसको ऐसे पुल करके। उसके बाद ऊपर का जो बटन है उसको प्रेस करने पर कांटा क्लॉकवाइज घूमता है और नीचे का जो बटन है उसको प्रेस करने पर कांटा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो हमको अपने सेकंड का और मिनट का जो कांटा है उसको बैक में ले जाना है, सामने नहीं। तो इसके लिए हमको नीचे का जो स्विच है उसको दबाना है। देखिए एक बार दबाने से देखिए एक घर आगे जा रहा है, ऐसे आपको दबाते जाना है। ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको क्या करना है इसको दबा के रखना है। और आप देख सकते हैं ये जो सेकंड का कांटा है ये फ्रीली मूव कर रहा है बैकवर्ड्स। जब बहुत करीब आ जाएगा तब इसको मैनुअली एक एक बार दबाकर इसको अपनी जीरो पोजीशन में लाना है। देखिए अब करीब आ चुका है, अब इसको धीरे धीरे जीरो पोजीशन में ला लेता हूँ। अब देखिए जीरो पोजीशन में आ चुका है, मिनट का कांटा सेकंड का कांटा दोनों ही जीरो पोजीशन में, मतलब ये फिक्स हो चुका है। अब क्राउन बटन को वापस से पोजीशन 3 से पोजीशन 1 में लाना है। अब एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ, ये ऑन किया, देखिए ये बिल्कुल जीरो पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी डिले नहीं है। चलिए अब कुछ टाइम वेट कर लेता हूँ। अब इसको रिसेट करता हूँ एक बार। देखिए ये वापस से अपना जो मेन पोजीशन है जीरो पोजीशन वहाँ पर आ चुका है, मतलब इसका कैलिब्रेशन जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इस तरह से आप आराम से घर में बैठ के इसको सही कर सकते हैं। दोस्तों ये था क्रोनोग्राफ के बारे में पूरी जानकारी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।